हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था एपिमराइजेशन क्या होता है, एक एपिमर को किसी दूसरे एपिमर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लॉब्री डी ब्रायन वॉन एंड केस्टिन रीअरेंजमेंट क्या होता है। अब लॉब्री डी ब्रायन एंड केस्टिन रीअरेंजमेंट ये क्या है, एपिमर्स है, इनको एक दूसरे में एपिमर्स है, उनका समावयवीकरण है, यानी डी ग्लूकोज है उसको मैनोज और फक्टोज है उन दोनों में किस तरीके से चेंज करेंगे। अब यहां देखो, जैसे डी ग्लूकोज है, ये है डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब बहुत ही डाइल्यूट बेस के साथ में कराएंगे, 0.02 mg कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे, तो यहां पे डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज है, इन तीनों का साम्य मिश्रण हमें मिलता है, और यही जो रिएक्शन है इसी को अपन क्या बोलेंगे, लॉब्री डी ब्रायन वॉन एकेंस्टिन रीअरेंजमेंट। अब यहां देखो क्या मिक्सचर मिलेगा अपन को, ये है डी ग्लूकोज 63 से लेके 67% तक किसका मिश्रण मिलता है हमें, डी ग्लूकोज का मिश्रण। फिर हमें मिलेगा डी मैनोज का मिश्रण मिलता है, डी मैनोज और जो डी ग्लूकोज है लास्ट क्लास में पढ़ा है, ये दोनों होते हैं C2 एपिमर, तो इनमें केवल C2 में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होते हैं और पूरा कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है AGTG। डी मैनोज 0.8 से लेके 2.4% तक मिलता है, इसका अमाउंट थोड़ा कम होता है। फिर उसके बाद हमें मिलेगा डी फ्रक्टोज, ये है डी फ्रक्टोज 21 से लेके 27%। ठीक है, तो ये रिएक्शन, यानी जब डी ग्लूकोज की रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट बेस के साथ में, यानी 0.02 mg कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे, तो डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज है, इन तीनों का साम्य मिश्रण हमें प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, लॉब्री डी ब्रायन वॉन एकेंस्टिन रीअरेंजमेंट। यहाँ डी ग्लूकोज कितना मिलता है, 63 to 67%, डी मैनोज मिलेगा 0.8 से लेके 2.4% तक मिलेगा, और जो डी फ्रक्टोज है वो 21 से लेके 27% तक मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, की ये रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है। अब ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म है वो टू स्टेप्स में होती है, दो इंटरमीडिएट बनते हैं इसमें। फर्स्ट है इसमें इनोलेट का फॉर्मेशन, ठीक है, इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, और जो इनोलेट है वो आगे किसमें चेंज हो जाएगा, या तो ये मैनोज में चेंज हो जाएगा, या वापस से किसमें चेंज हो जाएगा, ये ग्लूकोज बेस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो फर्स्ट इनोलेट मैकेनिज्म से हो सकती है, या फिर दूसरी ये रिएक्शन हो सकती है इन डाई ऑल के फॉर्मेशन से। ठीक है, इन डाई ऑल का फॉर्मेशन, और जो इन डाई ऑल है वो आगे किसमें चेंज हो जाता है, यहां पे फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो हमें दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट इनोलेट का फॉर्मेशन, इनोलेट आगे मैनोज में या वापस से ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और दूसरा है इन डाइऑल फॉर्मेशन, और इन डाइऑल जब इंटरमीडिएट बनेगा तो आगे वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इनोलेट का फॉर्मेशन। तो डी ग्लूकोज लिया अपन ने, ये है डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन हो रही है बेस की प्रेजेंस में। अब ये बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के जस्ट नियरेस्ट कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। तो ये OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन से जो प्रोटोन है उसको रिमूव करेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, यहां से एच प्लस रिमूव हो गया यानी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया, माइनस ओ एच सी एच ओ एच एच सी ओ एच एच, और ये हो गया यहाँ पे सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब ये क्या बन गया यहाँ पे, इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सी एच ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी ओ एच, ये ओ एच, नीचे का पोर्शन एजीटीच रहेगा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन सी एच ओ एच थ्राइस और सी एच टू ओ एच। ठीक है, ये अपने इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इनोलेट है इस पे वापस से प्रोटोनेशन होगा, तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, या तो मैनोज का फॉर्मेशन होगा या फिर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब देखो ये रिएक्शन देखते हैं अपन, ठीक है, ये इनोलेट आयन है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, ये ओ एच, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सी एच ओ एच थ्राइस और सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से प्रोटोनेशन होगा, अगर प्रोटोनेशन इस साइड से डिप्रोटोनेशन हुआ था, अगर इसी साइड से वापस से प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन यानी प्रोटोन यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, तो H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी एच ओ फर्स्ट कार्बन पे, नीचे की तरफ C ओ एच रह जाएगा राइट साइड में, और H कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, सी एच ओ एच थ्री सी एच टू ओ एच। तो अगर सेम डायरेक्शन से जिधर से डी प्रोटोनेशन हुआ है उसी साइड से प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यही है कि दूसरे साइड से प्रोटोनेशन हो जाए, तो प्रोटोनेशन अगर अपोजिट साइड से हो रहा है, अपोजिट साइड से हो रहा है तो H प्लस इधर आ जाएगा और OH है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे डी मैनोज का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका इनोलेट का फॉर्मेशन। इनोलेट है वो आगे मैनोज में चेंज हो सकता है या वापस से ग्लूकोज में चेंज हो सकता है। किस तरीके से होगी ये रिएक्शन, डी ग्लूकोज है बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ में जो अटैच है अल्फा कार्बन है उसके प्रोटोन का रिमूवल होगा, प्रोटोन रिमूवल यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। तो ये किसका, इनोलेट आयन, और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाइज हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो इनोलेट आयन है उस पर वापस से प्रोटोनेशन होगा, अगर वापस से प्रोटोनेशन जिस साइड से डी प्रोटोनेशन हुआ उसी डायरेक्शन से प्रोटोनेशन हो रहा है
तो यहाँ पे वापस से डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और अगर प्रोटोनेशन अपोजिट साइड से हो रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डी मैनोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया इनोलेट का फॉर्मेशन। अब अपन सेकेंड पार्ट करते हैं इन डाई ओल का फॉर्मेशन, और जो इन डाई ओल है वो आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज में कन्वर्ट। इन डाइओल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जो इनोलेट आयन बना था इसमें आगे की रिएक्शन थी सी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच ओ एच थ्री और ये क्या गया यहाँ पे सी एच टू ओ एच। अब यहाँ पे इसका जो कार्बन वन एल्डिहाइडिक कार्बन है उस पे अगर प्रोटोनेशन हो जाए तो ये इनोलेट आयन ही आगे किसमें चेंज हो जाएगा, इंडाइओल। तो यहाँ पे ये प्रोटोन है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये सी एच ओ एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच ओ एच थ्री और सी एच टू ओ एच, ये क्या बन गया अपने इन डाई ओल का फॉर्मेशन। अब इन डाई ओल है वो आगे किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब इन डाई ओल है वो फ्रक्टोज में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इसकी रिएक्शन देखो सी एच ओ एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच ओ एच थ्री और सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसका जो इन डाइओल का जो सेकंड कार्बन है वहां पे डी प्रोटोनेशन होगा, तो डी प्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में डी प्रोटोनेशन होगा। यहाँ का जो एच प्लस है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सी एच ओ एच डबल बॉन्ड सी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सी एच ओ एच थ्राइस और सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब इसमें देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये नेगेटिव चार्ज है कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास में, तो सी एच ओ एच नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच थ्री और ये क्या आ गया यहाँ पे सी एच टू ओ एच। अब कार्बन वन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन वन पे अगर अब वापस से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोन अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे एच प्लस है वो अटैच हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच थ्री और ये क्या आ गया अपने सी एच टू ओ एच, ये किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो इनोलेट आयन है उसी से ही किसका फॉर्मेशन होगा, इंडाइओल का फॉर्मेशन। इनोलेट आयन रिअरेंज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये इंडाइओल का फॉर्मेशन। ये इंडाइओल है वही आगे किसमें कन्वर्ट होगा, डी फ्रक्टोज में चेंज होगा। तो डी फ्रक्टोज में चेंज के लिए क्या होगा, जो इंडाइओल है उसका कार्बन नंबर टू है वहां पे क्या होगा, सबसे पहले डी प्रोटोनेशन यानी प्रोटोन हटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे जब प्रोटोन है वो अटैच हो जाएगा तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है उसको अपन क्या कहेंगे, लॉब्री डी ब्रॉयन वॉन एकेनस्टीन।